नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 मई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं, यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली। इनकी अपनी महाराष्ट्र में भी दो जगह मंडियाँ हैं, एक बंचूर में एक जगह और है, और एक इनकी मंडी अयोध्या में खुली है नई, तो इनकी 4-5 जगह अपनी मंडियाँ हैं जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा साहब। भाऊ जी आज का कैसे बाजार जी, कितनी गाड़ी है जी, कल से मार्केट कैसी चल रही है। आज हमारे पास आपका वो बैठा हुआ है वो लाला जी जो पीछे वो बैठे ना जो सो गए थे जिसपे मीम्स खूब बने थे। हाँ जी हाँ जी, वो देखो लाला जी आज बैठे, मैंने कहा भाई आज मस्त हो बैठा है। बिक्री कैसी चल रही है, गाड़ियाँ कितनी। बिक्री ठीक है, गाड़ी थोड़ा सा आज अराइवल कल से थोड़ा सा ज्यादा, आज 55 गाड़ी है ताजी अराइवल। कल जैसे कल 33 गाड़ी थी, आज 55 गाड़ी ताजी है। माल ज्यादा है, माल ज्यादा है, थोड़ा सा राजस्थान भी ज्यादा, राजस्थान ही ज्यादा आया है, बाकी तो और माल तो जितना आ रहे थे उतना ही है, लेकिन राजस्थान की आज 6 गाड़ी, परसों की कल की बैलेंस थी 30 गाड़ी ताजी आ गई। अच्छा, तो 36 गाड़ी राजस्थान आज हो गया। अच्छा जी, एक गाड़ी कहाँ की ये वाली, ये राजस्थानी है दोनों भाई साहब, दोनों राजस्थान। हाँ, दोनों राजस्थानी है, ये बीकानेर साइड की गाड़ी है, ये तो नासिक है, बैलेंस है थोड़ा सा ये। अच्छा जी, और ये राजस्थान जी। हाँ ये राजस्थान। अच्छा जी अच्छा। हाँ तो बिक रही है, वैसे भी तो इसमें आधी गाड़ी बिक गई आधी है। तो बिक्री कैसी चल रही जी। बिक्री आज थोड़ा ठीक है राजस्थान का, देखो भाई साहब अब अराइवल ज्यादा है, ग्राहक भी है, पर ये कि जैसे पहले ग्राहक नहीं दिखते थे अब ग्राहक भी दिखने लगे, अब 40-45 गाड़ी 50 गाड़ी माल बिकने की उम्मीद बन गई। अब 40 गाड़ी से नीचे बिकते कल यानी जो 30-35 गाड़ी थी वो 45-50 गाड़ी 40-45 से 50 गाड़ी है। हाँ। फालतू बिकने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, 40 से 50 गाड़ी के बीच में सेल आ गई है। 15 गाड़ी बहुत होती है जी, बड़ी बड़ी गाड़ी। अब देखो अब 40 से 50 गाड़ी के बीच की सेल आ गई। अच्छा जी हाँ जी। हाँ फर्क इतना ही है कि अब जैसे ये है कि पीछे कल जैसे 1 रुपए मार्केट तेज हो गई, 1.5 रुपए पीछे नासिक पूना वगैरह। अच्छा जी, तो कल व्यापारी ने रुकवा दिया सबने, जिनको व्यापारी माल थे उन्होंने भी रुकवा दिया, जिनके अपने माल थे उन्होंने भी रोक दिया, भाई पहले पैसे नहीं बन रहे थे घाटा हो रहा था तो सबने रोक दिया। कल यही माल कल जो हम 730-740 रुपए बेच रहे थे, कल हमने फिर इसको कल ही 780 रुपए कर दिया था और बिके माल फिर। अच्छा जी, वही जो माल 720-730 का बेचा था वही माल फिर 760-780 का भी बेचा है आज का भी। कल नासिक माल अच्छे माल आज भी 840 रुपए तक पूना बिका है, 830-840 रुपए तक, लेकिन बिके वो 2-4 लाठी, क्योंकि पूना में भी अब मतलब उतनी बढ़िया क्वालिटी भी नहीं आ रही है, 2-4 लाठ होते हैं बढ़िया वो बिक जाते हैं ऊपर 800 से 850 के बीच में। तो कितने में दिक्कत आ रही है अभी माल, यानी व्यापारी आपको रोकता है या किसान रोकता है जो भी है। देखो अभी तो पता क्या है, जैसे ये इन मालों के भी ये जो माल आए हुए हैं इनके पड़ते 19-20 रुपए के थे, लेकिन ये कम बिक रहे थे। ये डेरी बताओ आज का इसका क्या रेट मांग रहे हैं आप, इस डेरी का क्या रेट मांग रहे हैं आज। आज तो 800 रुपए बोल रहे हैं इसको, 800 रुपए मन मन ठीक है, मतलब 20 रुपए हो गया ना, 20 रुपए। और ग्राहक जो अभी ठाठा करनी हो गाड़ी एकदम, अभी ठाठा करनी हो भैया 750 रुपए बेचो भी ठाठा हो जाएगी। 750 का मतलब जी हो गया 19.5 रुपया, यानी 125 रुपए किलो का डिफरेंस है। हाँ एकदम बिकेगी तुरंत, बस बिल्कुल 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 बिकेगी। अब जैसे राजस्थान है देखो ग्राहक चढ़े हुए आपके पास, देखो ना चढ़े हुए सारे। अच्छा जी, लेकिन अब चक्कर क्या है कि ये मांग रहे हैं 550 रुपए की रेंज में ये लोग घूम रहे हैं। अच्छा जी, और हमने इसमें से दिया है 610-620 रुपए का, ये वाला राजस्थान जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी अच्छा, अभी इनको अभी 5-10 रुपए ऊपर नीचे करके अभी निकलना हो तो अभी साफ हो जाएगी, लेकिन फिर इसमें व्यापारी को भी तो देखना है ना, ये तो है नहीं कि तुरंत भी चलो ठीक है। लोग तो सोचते हैं ये चवनियों में खेल चल रहा जी अभी, पर दोस्तों आपको बता दूं जो नए बंदे देख रहे ना वैसे बंदे देख रहे इसको, ये चवन्नी और ठन्नी का खेल चलता है, यो नहीं है कि ये 5-5 और 10-10 रुपए किलो की बचत है, इसमें 1 रुपए किलो की भी बचत नहीं मिलती जी। हाँ जी हाँ जी, कई बार तो इसमें बाड़े बाड़े पे खेलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, वही बात है, ये जो भी तो कह रहा हूँ अभी इसमें भी माल ठीक है, माल अच्छा है अब, लेकिन अब थोड़ा सा राजस्थान ज्यादा है ना 36 गाड़ी, तो ग्राहक चाहता है तो हमें तो कम से कम रेट में। अच्छा चक्कर क्या है कि इसमें राजस्थान का रेट ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है ना, क्योंकि अभी जो इसमें बीच बीच में जो सर्दी वाली प्याजें भी आ रही है ना कुछ गाड़ियाँ। अच्छा जी, उन पर पत्ती है नहीं तो वो बिक रही है 450-500, 410-420-430 जैसे माल है, हर रेट में बिक रहा है 400 से 500 के बीच। उसने बाजार खो रखा जी, उसने बाजार को थोड़ा सा खराब कर रखा है, लेकिन फिर भी जो माल अच्छे हैं
वो 600 रुपए के लेपेट में बिक रहे हैं। फिर हम लेते प्याज के लिए संकेत अच्छे हैं, जो 45-50 गाड़ी तक बिकने लग गई जी। हाँ हाँ, धीरे धीरे बिक्री खुलेगी। अच्छा, कल के कमेंट आ रहे जी, कल जैसे वीडियो बनी थी उसमें काफी कमेंट आ रहे, वो लोग जो है ना ये मान रहे कि प्याज बहुत है, और जितना भी प्याज जा रहा, जितना प्याज महाराष्ट्र में बिक रहा है या फिर अपना MP में बिक रहा, उसमें से 90% माल सारा का सारा स्टॉक में जा रहा और कोई बेचने के मूड में नहीं है। भाई साहब, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो 15 रुपये से लेके 18 रुपये, 19 रुपये या 20 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, ये जितना माल बिक रहा है 15 से ऊपर, 15 से 20 के बीच में जितना माल बिक रहा है, हाँ जी, ये इसमें का समझो 99% मान के चलो कि वो स्टॉक में ही जा रहा है। अच्छा, चाहे वो कोई हरियाणा वाला कर रहा है, चाहे यूपी वाला कर रहा है, कुछ तो अभी तक तो सब MP वाले उठा रहे थे, अभी भी MP वाले ले रहे हैं, और अभी जो इस रेट का लेके स्टॉक में डालेगा इतनी जल्दी थोड़ी निकाल देगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, अभी MP भी देख लो आप, मई चालू हो गया लेकिन अभी MP के अराइवल नहीं, आज भी MP की सिर्फ 6 गाड़ी है। हाँ जी, MP की सिर्फ 6 गाड़ी है, इसमें 15-20 गाड़ी हुआ करती थी MP की। अच्छा जी, तो MP की भी प्याज, MP का भी, चाहे वो किसान है चाहे व्यापारी है, MP की भी प्याज ज़्यादा नहीं निकल रही है। तो अभी इतनी जल्दी, क्योंकि अभी सबके दिमाग में है कि प्याज की बहुत शार्टेज है, बहुत शार्टेज है, जबकि ऐसा है नहीं। अच्छा जी, 20-25 पर टोटल मिला के कुल 20-25% की कमी है, बाकी इससे ज़्यादा की कमी नहीं है। प्याज बहुत है जी, प्याज पूरी है, मतलब 20-25% कम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी है, मेरी बात सुनो जी, 20-25% कम है, लेकिन उस 20-25% जितना कम है आप ये भी मान के चलो ना कि एक्सपोर्ट भी नहीं है, ये भी तो आप मान के चलो ना। अब की बार ना जी आलू में हुआ है जी ये काम, जितनी दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियां आती थी हर साल, इतनी आलू की गाड़ियां सारी मंडियों में आ रही, दिल्ली में भी आ रही, और जितना आलू स्टोरों में होता था वो स्टोर में भी है। अच्छा, तो बाऊजी बोलते हैं वहाँ ये तो कोई ऊपर की कृपा है, क्या कृपा है भी हम भी नहीं जानते, परमात्मा देने वाला है कि क्या विधि का विधान है भी, माल उतना, गाड़ियां उतनी, आलू उतना, स्टोर फुल, फिर भी रेट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि पूछो ना, तेजी में आए। मुझे लग रहा है ऐसे ही प्याज में है, बिल्कुल प्याज में सब तेजी में है ना, तो तेज रहेगा ही रहेगा जी। भाई साहब ऐसा नहीं है अभी, प्याज कम है, नहीं नहीं प्याज बहुत ज्यादा कम नहीं, कहता रहा हूँ आपको 20-25% कुल कम है, कम तो है लेकिन सिर्फ 20-25% ही कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। आप भी तेजी में आ गए, शर्मा जी भी तेजी में आ गए, दिल्ली का आरती जब तेजी में आ जाते हैं तो तेजी करवा के रहेंगे जी। नहीं जी, अभी तो देखो तेजी तो रहेगी, अभी ये भी 3-4 में, ये मान के चलो ये मई चल रहा है, मई जून जुलाई, हाँ जी अगस्त, ये 3-4 महीने तेजी रहनी रहनी है। अच्छा, क्योंकि अभी जो एक बार ये स्टॉक हो रहा है या स्टॉक में जो चला जाएगा, हाँ जी, वो इतनी जल्दी तो भी निकलेगा नहीं, जाहिर सी बात है अपने टाइम पे निकलेगा। अब जब निकलेगा उस समय डिपेंड करेगा सारा कि नई क्रॉप कैसी आती है। ठीक है जी, साउथ की हो गई, कोल्हापुर की हो गई, जो नई क्रॉप आएगी उनके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आगे रेट कैसा होगा 4 महीने के बाद। ठीक है, ये 3-4 महीना तो ठीक ही रहेगा रेट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 3-4 महीने के बाद वाला रेट डिपेंड करेगा नई क्रॉप के ऊपर। बस जब दिल्ली वाले तेजी में आ गए तो तेजी रहेगी, बनेगी, आलू में आ गई तो प्याज भी आ गई। देखो जी, कुछ तो ठीक है, कुछ तो अनुमान लगाया ही जाता है, बाकी बाकी तो ईश्वर के, बाकी बात से सहमत हूँ जी आलू वालों की बात से, कि आलू कम नहीं है, स्टोर में नहीं कम है, मंडी में कम नहीं है, पर ये ऊपर वाले का विधान है, अभी कैसे रेट मिल रहा, कैसे टिके हुए वो 1000-1200। वही कह रहा हूँ, बाकी बाकी ईश्वर के हाथ में भी है ना। हाँ जी, आगे बरसातें कैसी होती है, आगे नई क्रॉप कैसी होती है, 3-4 महीने बाद देखो अगस्त में साउथ की नई क्रॉप आ जाती है। ठीक है जी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे पोजीशन क्या बनेगी। ठीक है जी जी, यानी ये लगा लो कि जो दिल्ली मंडी में अभी तक माल आ रहे, व्यापारी के माल आ रहे, उसमें रोक के बेचना पड़ रहा, तो जो किसानी माल है उसमें तो बस छवन्नी ठंडी ऊपर नीचे करके। इस समय स्टॉक का टाइम है, इसलिए जो पोजीशन पीछे है उस हिसाब से आगे इसलिए रोक के बेचना पड़ रहा है, क्योंकि आगे पैसा भी वो बन नहीं, जो पीछे रेट है उस रेट से भी सेल पॉइंट पे पैसे नहीं बन रहे हैं अभी, कहीं पर भी नहीं, खाली दिल्ली की बात है कि सारे हिंदुस्तान सब जगह लगभग लगभग अभी जो जैसे इस समय आज की करंट पोजीशन जो है उस पोजीशन के, ये तो चलो ठीक है पहले के माल हैं जो, उनमें तो चलो अब पैसे बन जाएंगे क्योंकि तेज हो गया, जो इतना 1-1.5 रुपये का जो फर्क पड़ रहा था वो 1-1.5 रुपया तेज होकर बिक जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन अब करंट की जो पोजीशन है वो माल जो इस समय अगर आ जाए मान लो
दिल्ली में आ जाए, पीछे कहीं भी आ जाए, तो अभी कहां से पड़ा? अभी जैसे मान लो ये हम 20 रुपए बेच रहे हैं, हाँ जी, ऐसे माल की पोजीशन वहाँ 16-17 रुपए हुई पड़ी है इस समय जी, वहाँ इस समय वहाँ पे, तो उसका तो 20 में भी पड़ता नहीं आएगा, ठीक है जी, तो ये मान के चलो ना, तो इस हिसाब से तो हाँ। अब जैसे अभी और ये अभी समझो ये सिचुएशन अभी रहेगी एक आध महीना, क्योंकि ये राजस्थान जो ये अभी निकलने वाली गर्मी वाली जो प्याज है, ये जो तो स्टॉक में जाने वाली है वो तो जा ही रही है या जाएंगी, लेकिन जो निकलने वाली है उनका तो अभी जोर शोर रहेगा ना, एक आध एक डेढ़ महीना वो तो आएगा। चलो जी बढ़िया ही रहेगा जी। अच्छा फिर अभी जो निकलने वाली जैसे एमपी वगैरह है जो स्टॉक में जा रही है तो जा ही रही है, लेकिन जो स्टॉक में नहीं जाने वाली होंगी जो निकलेंगी वो भी निकल के आएंगी ही, आज नहीं आएंगे 2-3-4 दिन बाद आनी चालू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अभी कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, लेकिन हाँ अभी कोई मंदा भी नहीं रहेगा और धीरे धीरे बिक्री भी खुल जाएगी। ये लगा लो जहाँ दिल्ली मंडी 60-70 रुपये पहुँची गाड़ियों की बिक्री, तो हाँ 60-70 की भी पहुँच जाए तो फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो फिर भरपूर बिक्री हो गई समझो। लेकिन अब जैसे पहले 30-35 गाड़ी थी, अब 40-45 गाड़ी बिकने लग गई, हाँ जी हाँ जी, फर्क तो पड़ गया, तो धीरे धीरे एक आध हफ्ते में और फर्क पड़ जाएगा। चलिए जी धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए, बना कर रखो जी मजबूती अब की बार बाजार में। देखो धन्यवाद जी, हम लोग तो अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करते हैं, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में। और वहाँ की क्या चल रही जी, वहाँ की तो बता ही दी आपने, बाजार तेजी चल रही जी। हाँ, वहाँ महाराष्ट्र के नासिक की तो आज कुछ एक दो मंडी खाली खुली है, बाकी जैसे अयोध्या में मंडी है वहाँ कैसा माल बिक रहा जी? वहाँ तो मीडियम माल बिकते हैं, मतलब मीडियम माल चल रहा है, वहाँ भी वही 16-18 रुपए की वहाँ भी पोजीशन है, वहाँ मीडियम माल चलते हैं ना जी, ज्यादा मोटे नहीं चलते जी। ज्यादा मोटे नहीं चलते, वहाँ मीडियम माल बिकते हैं, वहाँ तो वही 16-18 रुपए की पोजीशन है जी। चलिए धन्यवाद सर जी, एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर दे। हाँ जी, आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991 सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर 9810-15739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। लो जी दोस्तों, वो ऊपर चढ़ रहे थे गाड़ी के, वो नीचे उतर के भाग गए, वो कह रहे कि मोटा माल है जी इसमें, थोड़ा मोटा माल है, लोग अपने बच्चों को जो है घी दूध पिलाएंगे, घी पिलाएंगे तकड़ा करेंगे मोटा करेंगे, किसान का माल मोटा गया उसको मोटा बोल देंगे, ये भी कोई बात बनी जी, मोटा है मोटा खा लो और बढ़िया जी, उसकी मेहनत है जी, कमाल की बात है जी।